हेलो एवरीवन, आज के जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, आप लोग मेरे पास देख सकते हैं, पावर फिल्टर है जो कि ब्लूपेड कंपनी का है, 22222F, जिसमें ज़्यादातर पावर फिल्टर कोई भी हो, चाहे ब्लूपेड का हो, आपका सोबो का हो, वीनस का हो, बहुत सारी कंपनियाँ पावर हेड बनाती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर्पज़ पे यूज़ होते हैं, चाहे वो आपका फाउंटेन पे यूज़ हो, एक्वेरियम पे यूज़ हो, साल्ट वाटर के टैंक पे यूज़ हो, किसी भी टैंक पे यूज़ हो, इस पर कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें से ये पुराने हो जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। तो इनमें दो प्रॉब्लम आती है, ख़राब होने के इनके कई सारे रीज़न होते हैं, तो जल जाते हैं। वो कैसे पता चले कि जल गया हो, ख़राब हो गया? आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सूज आता है जहाँ पे, और ये घिर्री टाइट हो जाती है, और इसके अंदर वाले जो हिस्से होते हैं वो भी फूल आते हैं, एंड बैंड हो जाते हैं, थोड़ा सा इनका जो सेप होता है वो बिगड़ जाता है। तो ये अगर ऐसी कंडीशन में आपका पावर हेड हो जाता है, ख़राब होने का रीज़न ये होता है, इसको जो आपका एक्वेरियम में आप जब यूज़ करते हो इसे, तो ये पानी का लेवल अगर नीचे हो जाता है और ये कंटिन्यू चलता रहता है, तो उस कंडीशन पे ये ख़राब हो जाता है और जल जाता है। और उस कंडीशन पे जले हुए पंप ऐसे शो होते हैं, वो हमारी मिस्टेक की वजह से ही जलता है। अगर ये कंटिन्यू पानी में चलेगा तो नहीं ख़राब होता। आप लोग देख रहे हो, मैं फ़िट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो बैंड है, जबकि एकदम परफेक्ट होता है ओरिजिनल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ में अगर ये फिट सब कुछ सही है, इसमें करंट आने लगता है पानी में, पानी में करंट, ये प्लास्टिक का पूरा कोटेड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं से इसमें इलेक्ट्रॉनिक अंदर जाने के लिए रास्ता होता है, जो कि पीछे तरफ से वायर जाती है, यहाँ से कवर रहता है, और बार बार इसे निकालना, लगाना, साफ़ करना कुछ भी करते हैं, तो यहाँ से इसकी वायर ऐसे कटने लगती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वायर कटी हुई है। और इसको रिपेयर करना और जानना काफ़ी डिफ़िकल्ट, और आप लोगों को कोई नहीं पता होगा, ना कर पाए होंगे, ना ऐसा लगता होगा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, भले उसकी लाइफ थोड़ा सा बन जाए कुछ दिनों के लिए फिर से। लेकिन पहले मैं ये बोलूँगा, एक टेस्टर के ज़रिए किसी नॉर्मल पंप पे या नॉर्मल एक्वेरियम पे चेक कर लें, उसके बाद ही इसको अपने मेन एक्वेरियम पे यूज़ करें। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, एक एयर पंप वाली पाइप चाहिए, एक सिलिकॉन चाहिए, और ये एरल लाइट चाहिए। कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव खर्चा नहीं है, बस अगर आपके पास कुछ चीज़ें पहले से हैं, अगर आप एक्वेरियम शॉप वाले तो आप अपना ये पावर फिल्टर रिपेयर कर सकते हैं, उसकी कटे हुए वायर वाला, जो कि बहुत आसान है। देखें कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो सबसे पहले नंबर पर मैं आप लोगों को बताऊँ, स्टेप बाई स्टेप करना होता है। एक तरफ तो नीचे तरफ ये कटा हुआ है ऑलरेडी। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इस काम को बच्चे अपने हाथ से ना करें, या तो पेरेंट्स की नज़र पर करें, या तो किसी इलेक्ट्रीशियन से करवा लें। और यहाँ से आपको इस प्लग को भी काट देना है। और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी बता दूं कि मैं एयर पंप या पावर फिल्टर की रिपेयरिंग नहीं करता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास भी ले आएंगे और मैं करूँगा, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद आपको ये जो एयर पंप वाली पाइप होती है, इसको इसके अंदर डालना है ऐसे, और इसको उस जगह तक पहुँचाना है। मुझे थोड़ा सा चौड़ी एयर वाली पाइप चाहिए, तो फिर इसे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा जहाँ पर वो वायर कटी हुई है। यहाँ पे इस तार को छीलना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पाइप डायरेक्ट अंदर नहीं जा रही है। अगर इससे हल्की सी मोटी पाइप मिल जाती है, एक वाटर लेवल को मिलाने वाली आती है, हार्डवेयर की शॉप पे मिलती है, उसे अगर आप लोग ख़रीद लेते हैं तो वो डायरेक्ट अंदर चली जाएगी, उससे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन लोग क्या कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव जुगाड़ बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तो है नहीं, लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना तो है ही, ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके, ये कटे हुए पावर फिल्टर की वायर को कैसे ठीक करें, और जो कि पानी के अंदर, जिसकी वजह से करंट ना आए और सब कुछ सही शॉर्ट हो। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले इसको मैं छील दूंगा, जिसकी वजह से ये वायर ऑलरेडी से पतली हो गई है। अब मैं इसको सिर्फ पूरा नहीं छीलना, क्योंकि उस जगह तक छोड़ के रखना है जिस जगह पे और जितनी दूरी पे, जैसे यहाँ पे कटा हुआ है, तो अभी पूरा छील देंगे तो उस पाइप को यहाँ पे अंदर डालना पड़ेगा, और यहाँ पर सिलिकॉन और एरल लाइट भी लगानी पड़ेगी, इससे अपन लोग यहाँ का सीलन ख़त्म करेंगे। आपको दिखाता हूँ, इसे काट दिए, इसे साइड में रख देते हैं। अब इस पाइप को डालते हैं इसके अंदर, अभी इजीली चली जाएगी क्योंकि इसका वो मोटा वाला रबड़ तो हट गया। देख सकते हैं आप लोग,
अभी हम लोगों ने ट्राई किया बट ये इसके अंदर नहीं जा पा रहा गर्म करके सभी तरीके से। पाइप थोड़ा सा ज़्यादा ही शॉर्ट हो रही है, मतलब एयर पंप वाली पाइप से ये काम करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। अब इसका जो जुगाड़ है वो ये है कि आप लोग को दिखाता हूँ, इसको पूरा ही मैं छीलूँगा। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये पाइप जो है टाइट है एकदम से, इस वायर पे भी, जिसका हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और इससे अच्छे तरीके से यहाँ पे भी अपन लोग छील देंगे, और जहाँ तक वायर कट है और जो भी प्रॉब्लम है उसे पूरी तरीके से सॉल्व करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, उसे चला के भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बट आप लोग देख सकते हैं पूरी तरीके से छिल गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि वायर पाइप में थोड़ा सा होल है पुरानी वाली में, इसको पूरा निकाल देंगे, इसको उल्टे तरफ से लगा दूंगा। अब आप लोग देख सकते हैं ये पाइप यहाँ तक पूरी तरीके से उस जगह पे पहुँच गई जहाँ पे ये खतरा था कि करंट आ सकता था और ये लीक भी हो सकता था वहाँ से। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेस करने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन लोगों को एरल डाइट लेना है। एरल डाइट आप लोग जानते हैं हार्डवेयर की दुकान मिलता है, प्लास्टिक और कोई भी मटेरियल को तेज़ से चिपकाने के लिए यूज़ होता है। इसका दो लिक्विड फॉर्म होता है, इसको दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं उसके बाद यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम करता है और काफ़ी मजबूत भी होता है। इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, जब एकदम से वाइट वाइट हो जाएगा मिक्स होके फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो लेयर होगी वो अपन लोगों की एरल डाइट ही होगी। एरल डाइट आप लोग सोच रहे होंगे जो वाटर प्रूफ नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल इसके लिए करेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है, और हार्ड होने की वजह से यहाँ पे कटा हुआ है और ये वहाँ पे लगा देंगे तो इसकी जो पाइप होती है वो मुड़ेगी नहीं और ये सीधी रहेगी। उसके बाद में बाहर तरफ से इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इस पर सिलिकॉन भर देंगे। जो लोग आप लोग देख सकते हैं हेरल डाइट लगने के बाद ये चिकना हो गया था, फिसल के अंदर तक चला गया है। इसके बाद यहाँ पे वो अपने आप ही जो एक्स्ट्रा हेरल डाइट थी उसको ये चारों तरफ मिला लिया। अब अपन लोगों को क्या करना है, ये सिलिकॉन देख रहे हैं आप लोग, इसे यहाँ पे चारों तरफ भर देंगे। अब उसके बाद पहले कोशिश ये करें कि इसको 15-20 मिनट सूखने के लिए छोड़ दें एरल डाइट को, उसके बाद हम सिलिकॉन को लगाएंगे। जैसे चारों तरफ से बराबर से भर दें। आप लोग देख सकते हैं ऐसे यूं। उसके बाद इसका जो कैप होता है इसके लिए सेफ्टी वाला लगा हुआ था इसे लगा देते हैं। और फिर इसे यहाँ पे भर देते हैं। आप लोग देख रहे होंगे पूरी तरीके से यहाँ पे सील्ड हो गया है, लेकिन वहाँ बस सील्ड करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि पानी यहाँ से भी जा सकता है। तो वहाँ पे अगर करंट नहीं जाएगा तो यहाँ से पानी जाएगा जो कि बाहर आ सकता है, बट मोस्टली पावर हेड यहाँ तक डूबे हुए होते हैं आपके एक्वेरियम पे। उसके बाद जो पाइप होती है अगर वो इतनी होती है जो बिना बाहर के, आप लोग इस पाइप को भी लंबा कर सकते हैं, जैसे छोटी पाइप मैंने यूज़ की थी, तो आप लोग इसी पूरी पाइप को बाहर तक ला सकते हैं। इस पूरी वायर से लगभग 10-15 रुपये मीटर आती है ये पाइप,
1 मीटर ये पाइप आप ख़रीद के इसको पूरा कोटिंग कर सकते हैं वाली रबड़ निकाल के, और शुरू से आप लोग इसे पूरी तरीके से पैक कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी ये वायर फिर से 100% सेफ हो जाएगी, और जो वायर कट की प्रॉब्लम है का सोल्यूशन है वो भी आप लोगों को मैंने दे ही दिया है। तो अगर आपका मोटर सही है, बहुत पुराना हो गया है और इसकी प्लास्टिक सड़ गई है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को एक चीज़ में बताना भूल गया, ये प्लग होता है उसे दोबारा कैसे लगाया जाएगा। लगाना काफ़ी ईजी है, बस इसको यहाँ से कट करना है और इसे अलग करना है। और उसके बाद छील देना इसे ऐसे। अब इसके बाद आपको बहुत ही आसान है, ये पाइप लेनी है थोड़ी सी, इसे यहाँ पे कट करना है। इसको इस पे डाल देते हैं, फिर इसे यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं। ब्लू वाले को पहले ब्लू पे जोड़ देंगे, वैसे कोई इशू नहीं होता इस पे, क्योंकि ये एसी वोल्टेज है, एसी में प्लस माइनस का लफड़ा नहीं होता, आप कोई भी तार किसी पे भी जोड़ सकते हैं, बराबर वर्क करेगा। ये प्रॉब्लम डीसी वोल्टेज पे होती है। अब सबसे पहले इन दोनों तारों को सेपरेट करते हैं, उसके लिए मुझे चाहिए एक टेप, इलेक्ट्रॉनिक वाला ना हो तो आप प्लास्टिक वाला भी टेप यूज़ कर सकते हैं। इसे यहाँ पे ऐसे लगाते हैं, इसे एक दो राउंड ऐसे मार देते हैं, फिर इसे यहाँ पे ऐसे मार देते हैं दूसरे वाले वायर पे भी। अब ये प्लास्टिक वाला एक्चुअल में टेप है, तो थोड़ा सा वो ढीला है, ये छोड़ ना दे, इसके लिए इसे थोड़ा सा गर्म कर देते हैं लाइटर या किसी चीज़ से, देख रहे जल ही जाती है बहुत जल्दी, इसे भी फिर से गर्म कर वो चिपका देते हैं, इसे काफ़ी मजबूत रहे। फिर से हल्का सा गर्म कर देंगे कोने कोने में, अब उसके बाद ये पाइप है इसे ले आके उस जगह पे पहना देते हैं जहाँ पे जॉइंट था, इससे निकलेगा भी नहीं, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा और मजबूत भी रहेगा। अब आप लोग देख सकते हैं, चाहते हैं हम लोग तो यहाँ से यहाँ तक ही पूरी पाइप भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन अगर पाइप ना हो और थोड़ा सा मजबूती के हिसाब से अपन लोगों को इसको सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर से खैर चेक नहीं हो पाएगा बिकॉज ये कंटिन्यूटी तो ऑलरेडी बताएगा, मोटर है शॉर्ट ही रहता है, इसे डायरेक्ट पावर पे ही लगा के चेक करना पड़ेगा। इसको मैं आप लोगों को बताऊँ, एक्वेरियम में यूज़ करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे बाद यूज़ करेंगे, उसके पहले अपन लोग चेक करते हैं हल्का सा। मैं इसको पावर बटन पहले ऑफ कर देता हूँ और इसे लगा के फिर पावर बटन ऑन करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बराबर वर्क कर रहा है, साउंड भी दे रहा है, आप लोग इसके अंदर भी देख सकते हो और बराबर वर्क कर रहा है, साउंड भी सुन सकते हैं, हवा भी दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देख लें। और ये अब इसको एक्वेरियम में चलाने के लिए चलाना चाहते हैं अगर आप, तो एक्वेरियम में चलाने के लिए आपको 1-1.5 घंटे का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग एक्वेरियम पे यूज़ करें। और इस काम को करने के पहले आप लोग इलेक्ट्रीशियन से सजेशन ले लें, या तो पेरेंट्स अपनी निगरानी में करें, और जिस एक्वेरियम में मछलियाँ हों इसकी टेस्टिंग उस एक्वेरियम में ना करें। जब ये सक्सेस जो है टेस्टर आता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक करंट चेक किया जाता है, कुछ इस तरीके का होता है जिसमें लाइट जलती है, उस टेस्टर से करंट चेक कर लें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ही यूज़ करेंगे। अगर करंट नहीं आएगा, इस टेस्टर की लाइट नहीं जलती है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।